गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई होप यू डूइंग ऑल वेल। तो मेरी चैनल मिलिया में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज हम मस्तानी आई शेडो लुक क्रिएट करने वाले हैं, तो सब अपनी अटेंडेंस लगा दो, ठीक है? और भर भर के लाइक आनी चाहिए। नहीं जी, आपको अच्छा लगे तो ही लाइक देना, वरना नहीं देना। सो मैंने पहले से ही अपनी स्किन को प्रेप करके बेस बना लिया था, क्योंकि बेस बनाने के और चक्कर में यार बहुत टाइम चला जाता है और आप भी बोर हो जाओगे। सो सबसे पहले मैंने बेस बना दिया था और ये मैं लाइट सेट कर रही थी। मुझे लगा किस लाइट में बहुत अच्छी वीडियो आएगी। और मेरी दूसरी आँख को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उस पर मैंने बेस नहीं बनाया है, वो बहुत ख़राब लगेगी। और ऊपर नीचे की स्किन को भी इग्नोर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ब्राउन कलर का आई शेडो, और हम फ्लफी ब्रश से, वो होता है ना, ये ब्रश है ना, वो अमेजोन में जो सबसे सस्ते वाले हेलो किटी के ब्रश मिलते हैं, और दूसरे ये बहुत, बट सच्ची बात बोलूँ, आप अगर बिगनर्स हो ना तो यही ब्रश को ख़रीदना, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी है और इतने फ्लफी है ना यार। और वैसे भी आई शेडो में हमें बहुत ब्रश चाहिए होते हैं, फेस पर तो हमें एक या दो ही ब्रश चाहिए होते हैं। सो मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्राउन कलर का होता है ना वो कलर, चॉकलेटी टाइप का, उससे मैं लाइट ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरी ऊपर की लीड बहुत अच्छी लगे। आपको पता होगा कि ऊपर की लीड जो होती है उसे क्या कहते हैं, लेडी कहते हैं ना, हाँ वही, हाँ, तो वो वहाँ पे लाइट कलर ही होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उस लाइट कलर वहाँ पे होगा तो अच्छा लगेगा। देन उसके बाद नीचे जहाँ पे कट क्रीज बनती है ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया है। देन उसके बाद जो ये हमारी आई शेडो की जान है, वो कलर मैंने लिया है येल्लो कलर का, जो शिमर है। वाह यार, ये पता नहीं मुझे शिमर के सारे शेड बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई ऐसे भी चीप क्वालिटी की भी होती है ना आई शेडो पैलेट, तो भी मैं उठा लूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है यार सच्ची। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाइट कलर का शिमर। मुझे ऐसा लगा कि इस लुक में थोड़ा सा चंकी सा वाइट कलर होना ही चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा लगेगा। देन उसके बाद मैंने ज़्यादा, मुझे ऑलवेज ये होता है कि मैं जो शिमर शेड अप्लाई करती हूँ ना, वो मेरा दिल उससे सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। मुझे ऐसा भर भर के लगा दूँ अपनी आँखों में सच्ची, ऐसा देखो अभी भी मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी मेरा मन भरा नहीं है, अभी मैं लगा लगा रही हूँ। बट शिमर के जो शेड होते हैं ना, वो ऐसे थोड़ा वन सॉच कर देंगे ना हम हमारी स्किन पर, तो बहुत अच्छा लगेगा। बट कैमरे में क्या होता है, मुझे आपको दिखाना होता है कि कैसा लग रहा है। सो अगर ज़्यादा लगाऊंगी तो ही कैमरे में अच्छा दिखेगा। देन उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन पर वो ही थोड़ा ब्राउन सा कलर लगा दिया है। अब मैं अपनी जो भी हायर पॉइंट है उसे हायर कर रही हूँ, मतलब कि उससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वही जो मैंने वाइट सा शिमर लिया था। हाँ, और एक बात, अगर आपके पास कोई हाईलाइटर नहीं, मैं सच्ची बोलूँ मेरे पास इतनी सारी मेकअप के प्रोडक्ट है ना, पर मेरे पास हाईलाइटर अभी तक नहीं है। मैंने ख़रीदा ही नहीं है, पता नहीं, मुझे ख़रीदना है पर अभी तक मैंने ख़रीदा नहीं है। मुझे लेना है, बहुत अच्छा जो हो ना वो लेना है, बट अभी तक तो मैंने लिया नहीं है। सो मैं जो आई शेडो में शिमर वाला शेड होता है ना, वही मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ करती हूँ, जो जिसमें ग्लिटर वाले पार्टिकल्स होते हैं ना वो। देन उसके बाद हिमालय की काजल को मैंने लिया है और उससे मैंने आईलाइनर क्रिएट किया। इससे मैं आपको मेरे सारे वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे ये काजल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिससे वो बहुत ही सॉफ्ट, मिल्की सॉफ्ट है और बटरी है बहुत, वो जल्दी से आईलाइनर को क्रिएट कर देती है। और ये एंगल ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, आपको एक और बात बतानी थी, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरी जो मैंने बाहर थोड़ी आउटर कॉर्नर वी पे मैंने ये निकाला था, आईलाइनर निकाली थी, वो थोड़ी वो ख़राब हो गई थी। सो मैंने क्या किया कि जो मैंने बेस बनाने के लिए कंसीलर यूज़ किया था, उससे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, बट उससे मैंने कवर अप कर लिया है। सो आप भी ये हैक यूज़ करते हो, आपको पूरे का पूरा मेकअप को इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो आपका बेस भी चला जाएगा, फिर आप बेस बनाओगे आई शेडो करोगे तो वो अलग थलग दिखेगा, ठीक है? देन उसके बाद कल करके मैंने अपनी आईलैशेस में मस्कारा लगा दिया था। और हाँ, मैंने इसमें
वो क्या बोलते हैं, हाँ आई कॉन्टेक्ट को नहीं पहना था क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने क्यों नहीं पहना है, बट मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही थी इसलिए नहीं पहना है। देन उसके बाद मैंने ब्लश लगाया है, ब्लश तो मैंने बहुत ही भर भर के लगाया था बट वैसे अच्छा लग रहा था। सो मेरा ये फाइनल लुक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगे और आपको भी ऐसा मन हो कि मैं किसी और आई शेडो को क्रिएट करूँ, आई शेडो लुक को क्रिएट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।